मध्य प्रदेश के जबलपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से शहर के बड़े हिस्से में कामकाज ठप है। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। स्कूलों पर भी ताला लगा है। दिहाड़ी मजदूरों का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। परेशानी ये हो रही है कि बच्चे हैं 2 ठो, अब उनको सोना है, खाना पीना बनाना है, कैसे बनाए। तीनों कमरे में पानी भर रहा है, चैम्बर भी चुप हो रहे हैं, कैसे मतलब रहे हैं यहाँ पे। किस तरह से पानी भर जाता है, आप लोग कैसे निकाल रहे हैं आप लोग? वो यहाँ से झिर छूट जाती है नीचे से, तो वो पानी आता है और उसको फेंको भी तो वो भरते ही जाता है, खाली होते ही नहीं है। जब धूप निकलती जब ही खाली होता है। बहुत परेशानी आ रही है यहाँ पर, इतना पानी, घुटनों पानी भरा हुआ है। पूरे जहाँ देखो वहीं पानी, घुटनों से पानी कम ही नहीं है। ठेला डूबा हुआ है, चारों चक्कर डूबे हैं, क्या करें। परेशानी ये है कि अब मजबूरी है कि अब करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। इलाके के लोगों की माने तो स्थानीय विधायक की तरफ से कई वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। लोगों को आज भी पानी भरने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ये पानी सर, जब से बारिश हो रही तब से मकान हमारा भर ही जाता है। आजू बाजू से आगे के नाले सब चौक हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी जाओ उनके पास, राकेश सिंह के पास आगे जाके काम करेंगे, पानी रुक जाए, बरसात के बाद पानी का नाला बनवाएंगे, पुलिया बनवाएंगे। चारों तरफ से पानी भरता है घर पे, चारों तरफ से। बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें प्रशासन से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रह गई है।